नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन मालवीय बलाई विकास सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में बेटमा में 30वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन स्थानीय मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश मालवी, विधायक प्रतिनिधि असलम शेख, लोकेंद्र सिंह चौहान, नीलेश उपाध्याय, मोहन सिंह कछावा नव युवकों को आशीर्वाद देने बेटमा पहुंचे। लालवानी और अन्य अतिथियों का समिति कोषाध्यक्ष तेजराम पवार सहित समाज के वरिष्ठ जनों ने स्वागत किया। पंडित नंद किशोर पंचोली बेटमा वाले द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह रस्म संपन्न कराएगी। समिति विगत 30 वर्षों से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के अवसर पर समाज का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 22 जोड़ों ने यज्ञ वेदी की परिक्रमा कर एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। आज जयपालपुर के बेटमा में मालवी भलाई समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। 30वां साल और लगातार 30 साल से यह सम्मेलन किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि लगातार 30 साल तक सामूहिक विवाह का सम्मेलन हो। समाज के सभी जोड़ों ने, जो 22 जो हमारे नव दंपत्ति है, सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। और ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि आज मैं भी इस अवसर पर साक्षी बना और मैंने भी नव युगल को शुभकामनाएं दी। संवाददाता सुनील मेघाया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।